माय अनदर व्लॉग फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं मिस्टर उसके पापा टेंपल जा रहे हैं, तो मिस्टर अपने पापा के साथ निकल गई है, तो मैं भी जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। फ्रेंड्स हम टेंपल आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स मिस्टी के पापा गए हैं ऑयल लेने। ये देखिए यहाँ पे वो लेके आ रहे हैं। इस ग्लास में एक ग्लास करके ऑयल मिलता है। आप इंडिविजुअली इस ऑयल को लेके और अपने ऊपर से नज़र उतार के, जैसे सर के ऊपर घुमा के, और फिर वहाँ पे एक दिया है उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब टेंपल के सामने ही हैं हम, और हम टेंपल के ऊपर जा रहे हैं और बिल्कुल सही टाइम पे हम पहुँचते हैं टेंपल। फ्रेंड्स उस वक्त आरती स्टार्ट ही हुआ था। तो फ्रेंड्स आरती ख़त्म होते ही मिष्टी के पापा ने इस ऑयल को हमारे सर के ऊपर घुमाया था, और घुमाने के बाद ये इस तरह से इस दिए में डाला जाता है। इसे कहते हैं कि जितना भी नज़र लगा रहता है वो सब कुछ उतर जाता है, तो ये भी एक तरीका है यहाँ नज़र उतारने का। तो ये देखिए और सामने आरती भी हो गया था, तो यहाँ पर ये देखिए आरती का दिया जल रहा है, और ये है सामने भोलेनाथ का शिवलिंग, बहुत सुंदर सजाया हुआ रहता है। तो अब हम यहाँ से पूरे के पूरे मंदिर का चक्कर लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सब कोई प्रसाद ले रहा है, और हम अभी प्रसाद नहीं लेंगे, अभी हम पहले मंदिर का एक राउंड लगाएंगे। तो ये देखिए मिष्टी के पापा जा रहे हैं। मिष्टी अपने पापा के गोद में ही जाएगी, क्योंकि मैं मिष्टी को लेके यहाँ पे घंटी जैसे ही बजाती हूँ ना, मिष्टी बिल्कुल डर जाती है। बस इतने में ही मिष्टी बहुत डर गई थी। तो गणपति पापा के पास मैं गई, मैंने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद मिष्टी अपने पापा के गोद में चली जाएगी। मिष्टी के पापा ने बहुत ट्राई किया कि मिष्टी घंटी बजता है तो नहीं डरते, पर वो तो बिल्कुल नहीं, उसने हाथ ही नहीं लगाया। और अभी मिष्टी के पापा राउंड ले रहे हैं, और ये देखिए मिष्टी को नीचे बैठाने के बाद मिष्टी किसी के गोद में ही नहीं आ रही थी, मिष्टी अपना ही खेल रही थी, उसको अच्छा लग रहा था नीचे साफ साफ करके खेलने में। और यहाँ पे ठीक एक शिवलिंग है टेंपल के बाहर ही, मतलब जो शिव जी का टेंपल बना हुआ है अलग से, उसके बाहर एक शिवलिंग था, तो वहाँ पे हम ज़रूर हाथ लगा के शिवलिंग को टच कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे प्रसाद लेने आ गए हैं। तो ये देखिए मिष्टी को जल पिलाया जा रहा है। मिष्टी ये जल पीने के बाद ना करके आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है, और इतनी प्यारी लगती है देखिएगा वो कैसे कैसे करेगी। मिष्टी बिल्कुल खुश हो गई है। सो अब मिष्टी के पापा टेंपल में प्रसाद ले ले रहे हैं। ये यहाँ पे एक गुलगुला होता है, वो गुलगुला मिलता है प्रसाद में। तो अब हम टेंपल से निकल रहे हैं, और आज हमें कुछ सामान भी लेना था। तो यहाँ टेंपल से उतरते ही कुछ अंकल और आंटी थे वहाँ पे, मिष्टी उन लोग के साथ खेलने लगती है, तो वो अंकल उसे गोद में लेंगे, तो अंकल उसे खिलाएंगे गोद में। तो मैंने छोटा सा एक वीडियो उनके साथ बना लिया, ये देखिए वो अंकल ने जैसे ही मिष्टी को गोद में लिया, और मिष्टी बिल्कुल इधर उधर देख रही है। तो अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड्स मार्केट, क्योंकि हमारे घर में सब्जी नहीं था और हमें सब्जी लेना था, सब्जी नहीं था, फ्रूट्स नहीं थे, और हमें संडे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि संडे 1 तारीख था और हम लोग मार्केट जा ही नहीं पाए थे। तो अभी हम आ गए हैं वहाँ टेंपल से डायरेक्टली, ये सूरतकल मार्केट है, तो सूरतकल मार्केट में हम लोग लेंगे सब्जी फ्रूट सब कुछ हम यहीं से ले लेंगे। ये देखिए सामने ही फल का दुकान है, और उधर उसके बाद में सब्जी का दुकान है। ये नया आलू ले रहे हैं, ये 30 रुपीज़ केजी आलू मिल रहा था, और मिष्टी इतना बदमाशी कर रही थी, ये देखिए वो फटाक से आलू उठा ली थी, तो मैंने जल्दी से आलू छीन के रखा, क्योंकि वो आलू उठाते ही मुँह में डाल रही थी। तो अब हम जितना जल्दी हो सके सारा सब्जी वब्जी ले कर निकलेंगे, क्योंकि मिष्टी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी वहाँ पर। तो अब हम यहाँ से निकले और इनके
फ्रेंड का कॉल आ गया कि इनका फ्रेंड यहाँ पे आया हुआ है घूमने के लिए कुछ दिन के लिए, तो मिलने के लिए आने। तो हम लोग घर जाते जाते हम लोगों ने गाड़ी को टर्न किया और टर्न करके हम लोग डायरेक्टली मैंगलोर चले गए। मैंगलोर सिटी हमारा सिटी से थोड़ा अंदर पड़ता है, तो ये देखिए हम डायरेक्टली मैंगलोर सिटी आ गए हैं। और हम लोगों का बात हुआ ऐसा हुआ कि चलते हैं साथ में डिनर करने, तो मैं तो जैसे गई थी उसी तरह फिर बस चले गए। अब मैंने तो कुछ ड्रेसअप भी नहीं किया था, बस ठीक है वैसे ही चले गए हैं। और ये देखिए हम लोग आ गए, ये है साई पैलेस, और साई पैलेस में ही हम लोग खाने आ गए थे क्योंकि इनके फ्रेंड ने बोला कि चलते हैं साथ में डिनर करते हैं। तो ये देखिए मिष्टी, मिष्टी अपना चम्मच से खेलने में बिजी है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। और मिष्टी का भी खाना मैं लेके नहीं निकली थी, जनरली मैं मिष्टी का खाना लेके ही निकलती हूँ अगर कहीं हम लोग बाहर वैसा कुछ प्लान रहता है। तो फिर मैंने मिष्टी के लिए नीर ढोसा मंगाया क्योंकि मिष्टी नीर ढोसा खा लेती है, वो बिल्कुल प्लेन रहता है। तो उसे मैंने मिष्टी को एक नीर ढोसा वहाँ पे खिला दिया था। और हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ ऑर्डर किया था। ये देखिए मिस्टर कितना खुश है, एकदम खेल रही है। मिस्टर बिल्कुल खुश थी, वो कहीं पे भी जाती है तो वो मस्त खुश रहती है, वो बिल्कुल भी ट्रबल बच्चा नहीं है, बहुत शांत बच्चा, अच्छा बच्चा है मेरा, बिल्कुल खेलते रहता है। और ये देखिए ये स्पेशली चिकन घी रोस्ट मंगाया था हमने उनके फ्रेंड के लिए, हम लोग नहीं खाते। और हमने अपने लिए मंगाया था पनीर बिरयानी, हम लोग पनीर बिरयानी खा रहे थे, मटका वाला पनीर बिरयानी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी था फ्रेंड्स, अगर आप मैंगलोर से हैं तो आपको तो ये साई पैलेस का ट्राई करना चाहिए। अगर आप वेज में कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो वेज बिरयानी में ये पनीर बिरयानी बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए तो अब हम वहाँ से निकल जाएंगे फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और ये देखिए अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, मैं साई पैलेस में थोड़ा फ़ोटो वोटो ले रही थी बाबू के साथ। और ये मिष्टी को मैंने थोड़ा नीचे उतार दिया, साइड में एक ऊंचा सा जगह था, मैंने वहाँ मिष्टी को रख दिया। मिष्टी अपना स्क्रॉल कर रही थी, इधर उधर जा रही थी, खेल रही थी, उसको अच्छा लग रहा था तो मैंने भी छोड़ दिया क्योंकि कितना देर गोद में रहेगी, वो गोद में रहना चाहती ही नहीं है, उसे चाहिए कि मुझे छोड़ दो, मैं खेलूँ, मैं जाऊँ, मैं आऊँ। तो उसे मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था कि चलो तुम खेलो। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब मैं डायरेक्टली घर का ही वीडियो दिखाऊंगी। ये देखिए हम आ चुके हैं और ये सारा का सारा सब्जी लिए हुए वो जा रहे हैं झोले में। ये देखिए अभी हम घर आ चुके हैं, हम लिफ्ट में हैं। सो ये देखिए तो ये है हमारा सब्जी। सो फ्रेंड्स फाइनली हम घर आ चुके हैं और काफ़ी लेट हो चुका है, 11 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं सोने। So if you like my video, do like, subscribe and thank you for watching.